अस्सलामुअलैकुम, रीना के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कम ऑयल से बनाया हुआ एक नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये आलू और मैदे से बनती है और ये फ्लावर की जैसी दिखती है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है पोटैटो सनफ्लावर रेसिपी। अब पूरी रेसिपी देख लेना आप और मुझे फिर कमेंट में बता देना कि इसका नाम मैं क्या रख लूँ। तो इसके लिए देखो, मैंने लिया है, ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसको मैंने छान कर लिया है। ये 3 टेबल स्पून मैंने इसके लिए दही लिया है। ये मैंने तेल लिया है, 1 टेबल स्पून तेल लिया है। और अंडे का ये व्हाइट वाला पार्ट है और येलो वाला मैंने साइड में निकाल लिया है। ये लिया है मैंने चीनी ली है, ये चीनी मैंने 1/2 टेबल स्पून चीनी ली है। ये स्वाद अनुसार नमक है। ये मैंने लिया है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा रहता है ना, वो 1/4 टीस्पून लिया है। और ये बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैंने ये नीम गरम दूध 1 कप लिया है। अगर आपके पास ईस्ट होगा तो ये दही के जगह पे आप, या सोडा और बेकिंग पाउडर के जगह पे आप 1 टेबल स्पून इसके लिए ईस्ट डाल देना। तो मेरे पास ईस्ट नहीं है तो मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ले लिया है। ऐसा नहीं कि सबके पास ही ईस्ट रहता है, मेरे पास नहीं है तो मैंने ऐसा यूज़ किया है इसका। तो मैं इसका पहले ये पूरे इसका आटा गूंद लेती हूँ। ये दूध के जगह पे अगर आपको पानी लेना होगा तो आप नीम गर्म पानी ले लेना। मैं इसे दूध से, मैं सिर्फ दूध से ही इसे गूंद लूँगी। ये देखो आटा गूंद लिया मैंने, इतना दूध बच गया। थोड़ा थोड़ा करके ही दूध लेना है और आटा गूंद लेना है। अब इसे मैं ढक करके साइड में रख लेती हूँ और इसके लिए जो स्टफिंग चाहिए वो बनाती हूँ, मतलब वो बताती हूँ आपको क्या क्या लेना है। देखो इसके स्टफिंग के लिए मैंने ये 7 आलू उबाल लिए थे और इसे मैश करके रखा है। इसके साथ ही मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने हरी मिर्च लहसुन की पेस्ट ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है। ये मैंने लिया है चाट मसाला लिया है मैंने, ये 1/4 टीस्पून। ये रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून और ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। तीखा आप आपके हिसाब से देख लेना कि आपको कितना तीखा चाहिए, तो कम ज़्यादा कर लेना। और ये हरा धनिया है। अब हम इसे पूरा इसके अंदर आलू के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखो हमारी स्टफिंग रेडी हो गई। अब हम डो ले लेते हैं। ये देखो ये हमारा डो अच्छा फूला फूला हुआ है दही, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा की वजह से। अब हम इसे 2 पार्ट में कर लेते हैं। ये देखिए अब हमने इसे 2 पार्ट में कर लिया। अब 1 पार्ट को हम बेल लेते हैं। अगर आपको छोटे छोटे भी करना होगा ना, इसके और 2 करना होगा तो भी आप कर सकते हो। ये देखो इसे मैंने बेल लिया है, ये पूरा बेल लिया है। अब हमें इसे स्क्वायर शेप में कट करना है। ये देखो ये मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। सेम ऐसा ही और एक हमें बना लेना है। ये देखो दूसरी वाली भी मैंने बेल लिए, ये भी हमारी हो गई। अब हम इसके ऊपर जो हमने ये आलू का स्टफिंग है ये इसके ऊपर हम रख देंगे और बचा हुआ जो साइड का है दोबारा से हम उसे बना लेंगे बेल कर। पहले ये वाला कर लेंगे, इसमें मैं स्टफिंग पूरा रख लेती हूँ पहले। ये देखिए ये पूरा मैंने स्टफिंग लगा दिया। अब जो हमने ये रोटी बनाई थी ये हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए दूसरी वाली भी मैंने लगा दी, इसे मैंने अच्छे से पूरा पैक कर लिया। अब हमें इसका पार्ट करना है, हम बीच में से बराबर इसे कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे पूरे हो गए। ये देखो हमें 1 पार्ट लेना है और इसके हमें साइड से कट लगाने हैं, थोड़े थोड़े ही कट लगाने हैं। ये देखिए
और बीच में हमें पानी लगाना है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये लेना है एक साइड और इस पे रख देनी है बीच में बराबर, फिर ये छोड़ देना है, ये साइड ले लेनी है, ये छोड़ देना है, ये साइड लेनी है, ये छोड़ देना है और ये साइड से यहाँ पे हमें पैक करना है। और यहाँ पे हमने लिया है, ये मैंने कलौंजी ली है, ये हमें थोड़ी सी कलौंजी यहाँ पे लगा देनी है। ये देखिए दिख रहा ना ये सनफ्लावर के जैसा, इसलिए मैंने इसे सनफ्लावर नाम दिया है। आप बताना इसका मैं क्या नाम रख लूँ। ये देखो अब हम ऐसे ही पूरे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा हुआ है, अब मैं इसे ढक करके रख दूँगी। आपके पास अगर बड़ा कुछ होगा तो आप बड़ा रख लेना, मतलब ये जितने भी आप बनाएंगे वो एक प्लेट में ही आपके पूरे हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये एक कढ़ाई रखी है, ये एक कढ़ाई रखी है और मैंने एक प्लेट ली है, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए अब जो हमने ये वाला बनाया है हम ये प्लेट पे इसे रख देंगे। ये देखिए ये मैंने रख दिया इसके ऊपर, ये वाले भी रख दिए, इसलिए बोली कि अगर आपके पास कुछ बड़ा होगा तो आप फिर इसके अंदर ही पूरा रख सकते हो। मेरे पास अभी ये छोटा है बोल के मैं ये दो प्लेट ले ली हूँ। अब हमें क्या करना है, जो ये अंडे का येल्लो वाला हमने निकाला था वो अब हमें लेना है और इसे हमें साइड में इसे लगा देना है। इसे हम पूरा लगा देंगे। ये देखिए अब हमें ये इस कढ़ाई में इसे हमें रख देना है। ये देखो इसे मैंने रख दिया, अब हमें इसे 20-25 मिनट के लिए ढक के रख देना है। ये देखो अब हमारा हो गया है, अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखो दूसरे वाले भी मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छे बन गए हैं, और मैं जो बचे हुए हैं वो भी आप दोबारा गैस चालू करती हूँ और दोबारा से इसे बना लेती हूँ। ये देखिए ये पूरे हमारे बन गए, मैं आपको नीचे से भी इसके बता देती हूँ। ये देखिए अगर आपके पास ओवन होगा तो आप ओवन में भी कर सकते हो। ये कितने अच्छे बने हुए हैं, आप इसे केचप के साथ, शेजवान चटनी के साथ, कोई भी चटनी के साथ आप इसे खा सकते हो। मैं अब आपको एक टेस्ट करके बताती हूँ। ये एक मैंने ले लिया, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, गरम है ये। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत यानी बहुत ही अच्छे बने हैं। ये अब आपके लिए, ये देखिए बहुत टेस्टी बने, आप भी ज़रूर इसे बनाकर देख लेना। देखिए ये फ्लावर के जैसा है इसलिए मैंने इसको सनफ्लावर नाम दिया है। आप जो आपको जो भी देना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका क्या नाम है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाना, बहुत अच्छा बनता है नाश्ते में, टिफ़िन में, कोई गेस्ट आ गए तो आप बना सकते हो, पार्टी के लिए आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर आप इसे बनाना और मुझे बताना कैसा बना है कैसा नहीं बना है। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।